नमस्कार दोस्तों। अक्सर आप लोगों ने देखा है जो रेंट एग्रीमेंट बनते हैं वो 11 महीने के लिए बनते हैं। और रेंट एग्रीमेंट क्या होते हैं, रेंट एग्रीमेंट के लिए कौन से कानून लागू होते हैं और रेंट एग्रीमेंट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, इन सभी बातों को लेकर आज का वीडियो लेक्चर है जो इन सभी बातों को हम आज कवर करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के बारे में क्या कानून प्रचलन में है और लोग 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट क्यों बनाते हैं, आइए इन सभी प्रश्नों का समाधान आज हम प्राप्त करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल लॉ इजी में, जिसमें हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सो टुडे वी आर टेकिंग टॉपिक रेंट एग्रीमेंट, यानी आज का विषय है किराया अनुबंध, जिसे हम भाड़ा चिट्ठी भी कहते हैं या किराया अनुबंध कहते हैं, और इसके इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट्स, यानी रेंट एग्रीमेंट के इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट्स। हम सभी को पता है यदि हम किसी अन्य व्यक्ति के मालिकाना हक की, यानी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व की संपत्ति का उपभोग करना चाहते हैं और वो व्यक्ति भी आपको देना चाहता है, तो उसके बदले में वो आपसे कुछ प्रतिफल प्राप्त करेगा, उस प्रतिफल को ही रेंट कहा जाता है या किराया कहा जाता है। तो किरायादारी यानी टेम्पररी यूज, यानी अगर कोई व्यक्ति टेम्पररी उपयोग करता है, अस्थायी रूप से उपयोग करता है किसी अन्य व्यक्ति की चल अचल संपत्ति यानी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को अस्थायी रूप से उपभोग करना चाहता है, तो अदर्स ऑनरशिप और वो प्रॉपर्टी दूसरे की ऑनरशिप की है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रेंट देना पड़ेगा। जो व्यक्ति आपको संपत्ति दे रहा है वो होता है मालिक, और जो व्यक्ति संपत्ति ले रहा है वो होता है टेनेंट। किराया, इसी को किराया कहा जा सकता है, इसी को लीज भी बोलते हैं, कई बार पट्टे पे भी कहा जाता है। अचल संपत्ति यदि दी जाती है तो वो पट्टा कहलाता है, अचल संपत्ति यदि दी जाती है देन इट इज कॉल्ड लीज, यानी इसके लिए लीज एग्रीमेंट बनता है या रेंट एग्रीमेंट बनता है। अब हम बात करते हैं लीज की। लीज यानी प्रॉपर्टी का पदेशन, यानी कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का कब्जा देता है, संपत्ति का कब्जा दे रहा है, तो वो व्यक्ति लेसर हो जाता है, जो व्यक्ति लेता है वो लेजी हो जाता है। इस प्रकार लैंडलॉर्ड और टेनेंट भी इसको कहते हैं। तो इसके मतलब में रेंट लेगा या लीज लेगा, लीज पर या रेंट पर ऐसी प्रॉपर्टी दी जाती है। अब हम समझते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो लीज और रेंट पे दी जा सकती है। जैसे बिल्डिंग, जैसे कोई मकान है वो प्रॉपर्टी दी जा सकती है, तो जैसे बिल्डिंग है, कोई भवन है रहने के लिए रेजिडेंशियल पर्पज से, जैसे घर घर रेंट पे देना या घर लीज पे देना, शॉप दुकान रेंट पर देना या लीज पर देना, ऑफिस के लिए कार्यालय लीज पर लिए जाते हैं या रेंट पे दिए जाते हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति भूमि भी दे सकता है लीज पर या रेंट पर, तो भूमि जैसे किसी व्यक्ति को गार्डन चाहिए फार्मिंग पर्पज से, किसान खेती करने के लिए या किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम करना है, या माइनिंग पर्पज से, गवर्नमेंट जो माइनिंग के लिए देती है तो लीज पर देती है। और तीसरा है मशीनरी, कई बार मशीनरी भी रेंट पर और लीज पे ली जाती है, तो मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन के लिए, कई बार कोई व्यक्ति महंगी मशीनें हैं तो वो लीज पर या रेंट पे प्राप्त करते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब लीज या रेंट पर दी जाती है तो एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, इसी को लीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट कहा जाता है। और आज हम समझने वाले हैं रेंट एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कौन कौन से बिंदु रेंट एग्रीमेंट में होते हैं और होना चाहिए। अब पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अधिकतर आपने देखा होगा कि जो भी रेंट एग्रीमेंट बनते हैं वो 11 महीने के लिए बनते हैं। तो ऐसा क्यों है, वो 11 महीने के लिए क्यों बनते हैं, क्योंकि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 ये कहता है कि 12 महीने से ज्यादा का यदि एग्रीमेंट है लीज का या किराए का, तो इसी स्थिति में उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी 12 महीने से ऊपर के 12 महीने से ऊपर का रेंट एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उस पर स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो अनेक लोग रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी से बचने के लिए 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट अथवा लीज एग्रीमेंट बनाते हैं। अब कौन कौन से लीगल बिंदु कवर होना चाहिए उसको हम कवर करते हैं। सबसे पहले तो ये लीज एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बन सकते हैं। आजकल ऑनलाइन स्टैंप मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी बन जाता है और ऑफलाइन भी बनता है। जो भी ड्राफ्ट बनाया जाएगा, यानी जो भी लीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट बनाया जाएगा, वो लोकल लॉ या देश के कानून और लोकल लॉ को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, यानी देश के कानून और लोकल लॉ के अगेंस्ट उसके पॉइंट नहीं होना चाहिए। तीसरा, एक साल से ज्यादा का यदि समय दिया जा रहा है, यदि एक साल से ज्यादा का एग्रीमेंट है, तो ऐसी स्थिति में उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। पार्टीज का पूरा विवरण, पार्टीज का नाम पता विवरण पूरा लिखना चाहिए। आईडी, आजकल आधार कार्ड और इस प्रकार की जो आईडी देती है उसका भी मेंशन करना चाहिए। विटनेसेस, एग्रीमेंट में आपको पता ही है दो गवाह दो साक्षी होना चाहिए, दोनों साक्षियों का नाम पता विवरण और उनके भी आईडी प्रूफ उसमें लगाने चाहिए। कंडीशंस, दोनों पार्टीज ने जो शर्तें तय की थी उन शर्तों को स्पष्टतः भली भांति एक समझ में आ जाए, इस प्रकार से उस कंडीशन को लेखबद्ध किया जाना चाहिए। टाइम पीरियड मेंशन होना चाहिए कि एग्रीमेंट कब तक चलेगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, यानी समय सीमा निश्चित होनी चाहिए। दोनों ही पार्टीज के राइट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी
मकान मालिक के, किराएदार के या लेजर के या लेसी के जो भी अधिकार हैं, जो भी ड्यूटीज हैं, वो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर पेज पर, यानी एग्रीमेंट के हर पेज पे, मान लीजिए वो चार पेज का एग्रीमेंट बनाया है तो चारों पेजों पे सभी के हस्ताक्षर होना चाहिए, स्पेशली पार्टीज के हस्ताक्षर तो होना ही चाहिए, विटनेस के हस्ताक्षर बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट्स विच शुड बी कवर्ड फॉर दी रेंट एग्रीमेंट। तो रेंट एग्रीमेंट में ये सारी बातें कवर होना चाहिए, तभी जाके रेंट एग्रीमेंट ठीक ढंग से लीगली माना जाता है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।